आप ये समझो कन्वेक्स में तीन तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर होते हैं, यही हमने समझा। ठीक है, कंकेव में हमने क्या समझा था, केव कि जो इनर वाला पार्ट होता है इसका वो रिफ्लेक्टिंग होता है, तो जो आउटवर्ड पार्ट होगा वो पॉलिशिंग होगा या ओपेक होगा। और कन्वेक्स में क्या होता है, जो आउटवर्ड वाला पार्ट होगा वो रिफ्लेक्टिंग होगा, तो इसमें जो पॉलिश होगी वो इनर वाले पार्ट में, रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा, इस आउटवर्ड वाले पार्ट में होगा, बाहर वाली साइड पर, जो उठा हुआ हिस्सा। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, जो कर्व का आउटवर्ड वाला पार्ट होता है वो कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक बार 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है, विच मिरर इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है, किसी भी इमेज को बनाने के लिए कितनी रेस की जरूरत होती है, पैरेलल, मिनिमम 2 रेस हमने बताया था। ठीक है, तो जितनी भी वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती है, कन्वेक्स मिरर उनको क्या करता है, उनको डाइवर्स कर देता है, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद उनको क्या कर देता है, डाइवर्स कर देता है। डाइवर्स का मतलब फैला देना, स्कैटर कर देना, समझ पा रहे हो इस चीज को। ठीक है, कंकेव मिरर की बात करते हैं, कंकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या होता है, इनवर्ड, अंदर वाला, केव, यानी कि अगर यहाँ पर आप अपनी इमेज को देखना तो आपको यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। और कन्वेक्स मिरर में कहना तो आउटवर्ड वाला जो कर्व पार्ट है, कर्व आउटवर्ड वाला ये जो पोर्शन है यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, ये हमने डिस्कस किया था। कन्वेक्स मिरर जो होता है वो कौन सा मिरर होता है, डाइवर्जिंग। तो जो कंकेव मिरर होता है आपका वो होता है कन्वर्जिंग मिरर, यानी कि सारी रेस को एक ही पॉइंट पर क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। समझ पा रहे दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो जो आपका कंकेव मिरर होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती है जिसमें फॉल करती है, ये इनको एक ही पॉइंट पर क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, एक ही पॉइंट पर, कॉल्ड फोकस। इज इट क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर कंकेव मिरर, यानी कि कंकेव मिरर से जो हमें इमेज बनानी होती है ऑब्जेक्ट की, यानी कि रे डायग्राम से, वो कैसे बनाई जाती है, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं। तो रे डायग्राम बनाने से पहले, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन इसलिए होते हैं कि उनको रे डायग्राम के रूल्स नहीं पता होते। अगर आपको रूल्स पता है कि किस तरह से रे डायग्राम बनाया जाता है तो आप क्या कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल क्या कहता है कंकेव मिरर का रे डायग्राम बनाने के लिए, और रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो होता है ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये जो लाइन होते हैं ना, इसमें पोल होता है, फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रूल क्या कहता है, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रे, जैसे कि आप इस रे को देखो, ये रे दिखाई दे रही है आपको, ये इसके पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास हो रही है, फोकस से। ऐसे ये वाली रे देखो, ये भी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास हो रही है, फोकस से। फर्स्ट रूल क्लियर हो गया, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि कोई भी रे, कौन सी रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन से पहले तो इंसिडेंट रे होती है, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कंकेव मिरर इट विल पास थ्रू द फोकस, जैसे कि ये वाली रे देखो, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस, तो दिख रहा है आपको फोकस से पास हो रही है। ऐसा आप इसको देखो, ये एक रे है आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। ये चीज समझ पा रहे हो? ठीक है, आप चेयर आगे लगा रहे हैं, क्लियर है, या थोड़ी राइट साइड पे, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आता, सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो फर्स्ट रूल क्लियर हो गया। सेकंड रूल जो होता है रे डायग्राम का वो क्या होता है आपका, सेकंड रूल इज अ रे इंसिडेंट थ्रू फोकस, रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कोई भी रे जो कहां से इंसिडेंट हो रही है, फोकस से, देख रहे हो ना इसका एरो, ये रे कहां से जा रही है, फोकस से। कोई रे, कोई इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास होती है,
यानी कि पहले वाले रूल का कन्वर्स कर दो। इसमें क्या था, पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस, अब उसका उल्टा कर दो। अगर कोई भी इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है, पास ये तो एरो पे ध्यान देना है, तो मिरर की तरफ एरो होगा वो इंसिडेंट रे है, तो मिरर से अपोजिट एरो होगा ये आपके क्या है रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर क्या है, जो आपकी इंसिडेंट रे कहाँ से पास हो रही है, फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और रे इंसिडेंट थ्रू फोकस, कोई भी इंसिडेंट रे जब फोकस से पास होगी, फोकस पॉइंट होता है, फोकल लेंथ फोकस का डिफरेंस समझ में आ रहा है, फोकस का सिंबल होता है कैपिटल एफ, ये पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है पोल का और सेंटर ऑफ कर्वेचर का, समझ पा रहे हो, और पोल और फोकस के बीच का, पोल और फोकस के बीच का जो आपका डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं फोकल लेंथ, उसका सिंबल होता है स्मॉल एफ, इज इट क्लियर, ठीक है। रे इंसिडेंट थ्रू फोकस, कोई भी इंसिडेंट रे जब फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्लियर हो रहा पॉइंट, हाँ जी थोड़ा जोर से बोलो, नहीं रे डायग्राम के लिए मैंने क्या कहा था, मिनिमम कितनी रेस की जरूरत होती है, टू रेस, अभी हम करेंगे तो आपको समझ, क्योंकि इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम टू रेस की जरूरत होती है, जहां वो मीट करेंगे वहां इमेज बनती, ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट रूल क्या है आपका, योर नेक्स्ट रूल इज अ रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहले रे कहां से पास हुई, फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अब जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो उसी सेम पाथ पर रिफ्लेक्टेड हो जाती है, जिस पाथ पर वो गई है कलम में क्या था ना प्लेन मिरर वाला, सेम बात पर ही उसी सेम बात पर रिफ्लेक्टेड बैक हो जाए, कब, जब रे किससे पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, किससे पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ, इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ, जैसे कि आप ये देखो ये आपका मिरर हो गया, कंकेव मिरर है क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इनवर्ड है, समझ पा रहे हो, ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल एक्स, ये क्या है प्रिंसिपल, तो रे जो है आपकी, इसका एरो देखो मिरर की तरफ, ये एरो है ना, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये इंसिडेंट रे है, अब ये वाला एरो देखो अपोजिट साइड में, कहने से इधर रिफ्लेक्टेड भी इसी पर है, तो सेम पाथ पर ही वो वापस आती है, लेकिन कब, जब इंसिडेंट रे कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एक बार रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड बैक होता सेम पाथ, चाहे किसी भी पाथ पर हो, इसी समझ पा रहे हो, ठीक है, फोकस से पास होगी इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड थ्रू द फोकस, तीनों रूल्स क्लियर हो गए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है, फोर्थ रूल, और रे इंसिडेंट ऑन पोल, भाई तीन ही पॉइंट होते हैं ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्लियर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पासिस टू द सेम पाथ, फोकस रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, थर्ड पॉइंट कौन सा होता है, प्रिंसिपल एक्सिस में पोल, तो जब पोल पर इंसिडेंट रे फॉल करेगी तब क्या हो, दैट इज रूल टू, और रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड making equal angle, is reflected making equal angle, ये समझ पा रहे हो चीज को, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, किस लॉ में डिस्कस किया था इसको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, याद है सबको, कुछ इसी तरह का डायग्राम था उसमें, तो देखो इसमें क्या बताया जा रहा है आपको, ये आप ये देखो एरो देखो, ये टूवर्ड द मिरर है, ये कौन सी रे है आपकी, इंसिडेंट रे, तो जब इंसिडेंट रे पोल को स्ट्राइक करती है, जब इंसिडेंट रे पोल को स्ट्राइक करती है तो ये रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम, रिफ्लेक्टेड बैक विद द सेम मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही आपका एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ये चीज समझ पा रहे हो, चारों रूल क्लियर हो गए, ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम, रे डायग्राम में डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये भी बता देता हूँ, कंकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर में से दो ही रे डायग्राम होते हैं,
कन्वेक्स मिरर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ, यू नेवर नो, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है वो एग्जाम में आ जाओ। उसका आने का रीजन क्या, ये भी मैं आपको पहले बता चुका, जब हम मैथ्स कर रहे थे तो मैंने क्या कहा था, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है, एग्जामिनर को पता होता है कि ये अनइम्पॉर्टेंट चीज है, बच्चा इसको शायद ना पढ़े, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको छोड़ देंगे, ये कहाँ आएगा, बस ये कहाँ आएगा, नहीं बात खत्म हो जाती है, फिर वो आया था फिर मुंह खुला रहता है, फिर क्या कहते हैं, आउट ऑफ सिलेबस। क्लियर हो गया? तो देखो जो फर्स्ट केस होता है आपका वो होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, इनफाइनाइट का मतलब कोई दूर का डिस्टेंस है जो आप नहीं मेजर करते, तो आपको ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखाई दे रहे। तो जब हम ये कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी का मतलब वी कांट सी दैट ऑब्जेक्ट, तो जो उस केस में जो रेज होती है आपकी, जो उस केस में जो आपकी रेज होंगी वो आप इस तरह से दिखाओगे। क्या आपको यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि इनफाइनाइट, हम मान रहे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो हमें दिखेगा ही नहीं। तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हम अज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट है, तो जो रेज होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, पैरेलल। यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस का जो ऑब्जेक्ट है वहां से जो रेज आ रही है वो कैसे ट्रेवल कर रही है, वो पैरेलल ट्रेवल कर रही है। अब कोई रेज अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी वो आपको फाइंड कर, ये समझ पा रहे हो? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी ये आपको फाइंड कर। तो कैसे फाइंड करना, देखो रूल फर्स्ट पे जाओ, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो रिफ्लेक्टेड कहां से होती है, फोकस से। ये चीज क्लियर है? तो जैसे ये रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्टेड कहां से हो गई, फोकस से। एरो पे ध्यान दो, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वाली जो रे है ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये भी क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड टू द फोकस पॉइंट। अब ये जो रे है आपकी ये भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल है, मिनिमम मैंने कहा टू रेज होनी चाहिए, दो से ज्यादा आप शो, और इनफाइनाइट वाले केस में दो से ज्यादा ले लेते हैं। इसके बाद जो भी केसेस होंगे सब में कितनी रेज होंगी, समझ आ रहा है? ठीक है, तो देखो सारी की सारी रेज क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो बाय फर्स्ट रूल रिफ्लेक्टेड थ्रू द फोकस, इतनी समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है, या कहाँ पर होता है, इंफिनिटी पर, कहाँ पर होता है, इंफिनिटी में, तो कैन आई से दैट जो उसकी इमेज की पोजिशन होती है वो एफ पर होती है, इमेज सारी यहाँ पर बन रही है, जहाँ ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी वहीं तो इमेज बनती है, कहाँ पर मीट कर रही है, फोकस पर। का नेचर कैसा होगा, नेचर का मतलब अब ये जो इमेज है ये क्या बताओ कि ये जो मीट कर रही है रियल में कर रही है या वर्चुअल में कर रही है, क्या आपने डॉटेड लाइन लगाई है यहाँ पे कोई, तो इसका मतलब रियल है, ये क्या है, रियल। तो रियल में अगर मीट कर रही है, एक्चुअल में मीट कर रही है, तो कैसी इमेज देंगी, रियल इमेज। और रियल इंसान कैसा होता है एक्चुअल में, टेढ़ा होता है, यानी कि इनवर्ट, ये कल डिस्कस किया था हमने, समझ पा रहे हो चीज को। तो नेचर कैसा होता है, नेचर का मतलब किस तरह की होगी, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। जब क्वेश्चन में पूछा था नेचर, नेचर का मतलब आपको दो चीजें बतानी है, रियल है या इन्वर्ट, वो वर्चुअल है। रियल है तो रियल के साथ क्या होगी, इन्वर्टेड। वर्चुअल है तो जैसे गेस्ट आते हैं तो कैसे हो जाते हो आप लोग, सीधे। माय गॉड, ऐसे भी बच्चे होते हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, रियल, रियल है तो इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, पॉइंट साइज, आप देख पा रहे हो, साइज दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो साइज कैसा होगा उसका, पॉइंट साइज। ये केस फर्स्ट, ये क्या आपका केस फर्स्ट। अच्छा, ये जैसे ये कर्व बनाया हुआ है, मेरी तो प्रैक्टिस है, और आप और एक बार बताए तो जो आपके सिलेबस में जो मिरर है ना, ये बहुत छोटे साइज के मिरर है, क्या है, बहुत छोटे साइज के, जैसे कि ये एक पार्ट है मिरर का ऐसे, तो आपको आप कैसे बनाओगे रे डायग्राम, आप स्ट्रेट लाइन बना दो ऐसे, बना दी, और यहाँ से कॉर्नर से फिर इसको ऐसे कर दो, यहाँ सेंटर में क्या ले लो, पी, यहाँ से आपका ये ऐसे आ जाएगा, आपका ये हो जाएगा एफ, और ये क्या हो जाएगा सी, फिर यहाँ से ये रे ऐसे पास हो गई, तो इस तरह से, बस इस तरह से आपने इसको आप बना, समझ आ रहा है, और यहाँ आपका ये ओपेक हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको बोलते रहा हूँ।
आप कर बना के देख लेना, इफ यू आर एबल टू डू दैट देन इट्स फाइन, अदरवाइज अगर आप ऐसे भी बनाओगे तो ये गलत नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेट लाइन करके और यहाँ से फिर इसको ऐसे करके, कोई गलत नहीं होगा भाई, कोई ऐसी बात नहीं। जो आपके सिलेबस में जो मिरर है बहुत ही छोटे छोटे साइज के एक्चुअल में जो है, समझ पा रहे हो चीज को? ठीक है चले आगे। पहला केस क्लियर हो गया, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा तो जब कोई भी चीज चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज है अगर इंफिनिटी पर होगी तो हमेशा लाइन कैसी होगी? पैटर्न, वो चीज नहीं आपको दिखाई, समझ पा रहे हो? ठीक है केस टू, अब ऑब्जेक्ट आपका धीरे धीरे आगे आएगा। अब एक चीज, अब एक ऑर्डर को देखना जो मैं समझा रहा हूँ। अब होगा क्या, पहले ऑब्जेक्ट आपका कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, अब वो इस एक्सिस पर आ गया तो बियॉन्ड सी आ गया। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है धीरे 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 वो आगे आता जाएगा और ये जो इमेज है धीरे 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 वो पीछे आती जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल टिप्स पर सारी चीजें आ जाएंगी। क्वेश्चन करने से पहले ही आपको पता होगा कि इस केस में इमेज कहाँ पर बने, वो अभी मैं आपको लास्ट में टेबल बना के दिखाऊंगा और आप खुद ही आंसर दोगे। बस इतना बताओ कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो उसकी इमेज कहाँ पर बनी? एफ पर। इतना क्लियर है? ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट डिस्टेंस के दूर के पॉइंट पर था अब वो प्रिंसिपल एक्सिस पर आ गया। तो पहला, तो नेक्स्ट केस क्या आ गया, जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी है यानी कि सी से पीछे है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड बैक टू द फोकस पॉइंट, तो ये हो गया भैया रिफ्लेक्टेड बैक टू द फोकस पॉइंट। ये चीज समझ में आ रही है? ये इंसिडेंट रे है टूवर्ड्स द मिरर और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये चीज क्लियर होगी? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम पार्ट। तो देखो ये आपका एरो है टूवर्ड, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड बैक, समझ पा रहे हो? जहां ये दोनों रे मीट कर रही है वहां पर क्या होगी इमेज। अब ये जो इमेज है आपकी ये उसका हाइट है। अब देखो ऑब्जेक्ट कैसा था, ए टू बी, बॉटम में ए है ऊपर बी है, समझ पा रहे हो चीज को? अब ये देखो अपोजिट हो गया ना, ये अपोजिट हो गया ना, ए वाला पॉइंट आपका जो एरो वाला पॉइंट है वो बन गया ए और जो बी वाला पॉइंट था वो बॉटम में आ गया। कौन सी इमेज बनी, रियल और इनवर्टेड, क्यों बनी ये भी समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये एक्चुअल में मीट कर रही है। तो कैसे बनाई, फर्स्ट रे दो रेज का यूज किया, फर्स्ट रे पासिस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बाय फर्स्ट रूल इट विल रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द फोकस। ठीक है, थर्ड रूल था ना आई थिंक ये हमारा, व्हेन द रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पार्ट। ये समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो कहने से दैट इस केस में जो आपकी इमेज की पोजीशन है वो बिटवीन एफ और सी है। अब देखो जब इंफिनिटी पर था तो इमेज यहां पर थी ना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ गया इमेज पीछे की तरफ आ गई, अब एफ से पीछे आ गई तो सी और बी एफ के बीच में आ गई, समझ पा रहे हो इस चीज को? नेचर कैसी है ये भी समझ में आ रहा है, रियल और इनवर्टेड, और साइज आपको देखने में दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट से छोटा साइज है, इमेज का साइज है। देखो ये ऑब्जेक्ट का साइज था, प्रॉपर मेजरमेंट से बनाओगे, प्रॉपर मेजरमेंट का मतलब ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है पोल। अगर एफ और पी के बीच में डिस्टेंस आपने 5 सेंटीमीटर लिया है तो ये भी कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। ये चीज समझ पा रहे हो? प्रॉपर मेजरमेंट से बनाओ अपने आप एक्यूरेट चीजें बने, और ये चीज मैं बता चुका हूँ आपको। अगर आप कर्व बनाते हो तो भी ठीक है, नहीं बनाते तो मैंने उसका भी आपको ये बता दिया, स्ट्रेट लाइन बनाओ और लास्ट में उसको आगे क्या कर दो, ऐसे कर दो, समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर हो गया केस टू? कुछ पूछने तो बताओ। हाँ जी क्लियर हो गया यहाँ पर? ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, अब ऑब्जेक्ट और आगे आ गया, प्रीवियस केस में कहाँ था, बियॉन्ड सी था, अब ऑब्जेक्ट और आगे आ रहा है इमेज और पीछे आएगी, प्रीवियस केस में जो इमेज थी वो यहाँ बनी थी अब और पीछे आ गई, तो अब देखो क्या हुआ, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द फोकस पॉइंट, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द
फोकस पॉइंट, ये चीज समझ पा रहे हो, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? ठीक है, सेकंड केस पासिंग थ्रू द फोकस, कौन सा रूल था सेकंड? जब फोकस से पास होगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो जब ये रिफ्लेक्टेड हुई है, रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इज इट क्लियर? यहाँ पर ये क्लियर हो गया। इस केस में जो आप देखो ये कहां पर मीट कर रही है, एग्जैक्टली सी के नीचे मीट कर रही है। स्पेशल केस जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है उसकी इमेज भी सी पर बनती है। दूसरी स्पेशल बात क्या होती है इस केस की, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही इमेज का साइज होता है। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो कैसे बताओगे आप पोजिशन ऑफ इमेज क्या होगा एट सी? ये क्लियर है, नेचर क्या है रियल और इन्वर्टेड, और साइज क्या होगा सेम साइज, साइज क्या होगा आपका सेम साइज। ये क्लियर हो गया कि जो साइज होगा आपका वो कैसा होगा, सेम होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, कितने हाँ जी तो सारी में साइड बनेगी ये कह रहे हो आप? नहीं, लास्ट वाला केस स्पेशल होता है, उसमें वर्चुअल इमेज बनेगा। में जो लास्ट वाला जो केस अभी हम करेंगे स्पेशल केस होता है, इसमें एक केस ऐसा होता है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, जैसे आप देखो अब ये देखो अभी आप कहाँ पर हो सी पर, अब आप कहाँ पर आ जाओगे सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पर आ जाएगी बियॉन्ड सी, समझ पा रहे हो? थोड़ा और आगे आओगे तो फोकस पर आ जाओगे, अब इससे पीछे कोई जगह बची तो आपकी जो इमेज आएगी वो इंफिनिटी पर चले जाएगी, इसके पीछे फिर इंफिनिटी होता है। अब ऑब्जेक्ट की पोजिशन के हिसाब से देखो सी के बियॉन्ड से पहले वाला केस क्या था इंफिनिटी, अब इमेज इंफिनिटी पर जाएगी, फिर जैसे आप पी और एफ के बीच में आ जाओगे यहाँ आ जाओगे, ये स्पेशल केस है, इसमें जो इमेज है आपकी वो आपको अपीयर होगी मीट करते हुए बिहाइंड द मिरर, अपीयर होगी तो कैसी इमेज देगा वो वर्चुअल, और उस केस में जो आपके ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है इमेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनती है, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या बनती है बड़ी बनती है। जो डेंटिस्ट जो मिरर का यूज करते हैं उसमें दांतों कितने छोटे छोटे से होते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी इमेज दिखाई देती है ना, वो मिरर में आपका वही वाला केस होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी पोजिशनिंग कहाँ पर होती है एफ और पी पॉइंट के बीच में, जिससे उसकी इमेज क्या दिखाई दे बड़ी दिखाई दे। समझ में आ रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट केस आ गया केस फोर, थोड़ा और आगे आओगे, अभी हम कहाँ पर थे सी पर, तो इमेज भी कहाँ पर थी सी पर, स्पेशल केस। स्पेशल क्यों का? क्योंकि जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट था उसी पॉइंट पर इमेज, जो ऑब्जेक्ट का साइज था वही इमेज का साइज था, ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पर, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, आगे देखो, अब जो ऑब्जेक्ट है आपका वो कहाँ पर आ गया सी और एफ के बीच में, अब जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो कहाँ पर आ गया सी और एफ के बीच में, इज इट क्लियर? मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया सी और एफ के बीच में, ठीक है, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द फोकस, ये चीज समझ पा रहे हो? सेकेंड केस इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रिफ्लेक्शन कहां पर होगा सेम पाथ पर, तो रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ, तो जहां ये मीट कर रहे हैं कहां पर मीट कर रहे हैं बियॉन्ड सी, कहां पर मीट कर रहे हैं बियॉन्ड सी। अब देखो कैन आई से दैट पोजीशन ऑफ इमेज जो बियॉन्ड सी है, नेचर ऑफ इमेज क्या है रियल और इन्वर्टेड है, ये रियल और इन्वर्टेड का वो केस होता है जिसमें जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या, जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होता है बड़ा, बट ये कौन सी इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड, कौन सी इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड, इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट केस होता है आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका एफ, ऑब्जेक्ट अब एफ पर है, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट विल हैपन, रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द फोकस पॉइंट, यही होगा, तो रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द फोकस पॉइंट, ये हो गया आपका, समझ पा रहे हो इस चीज को? सेकंड केस सेकंड रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ, क्या ये कहीं मीट कर रही है? और मैंने कहा था जब रेज पैरेलल होती है तो क्या माना जाता है, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है और इमेज है तो इमेज इंफिनिटी पर है, बहुत ध्यान से सुनना,
अब मैं आप ही से सारी चीजें पूछूंगा, यहां तक कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते। चाहे ऑब्जेक्ट की रेस पैरेलल आ रही है तो ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पे। और इमेज अगर पैरेलल रेस शो कर रहा है और इमेज तो इमेज कहां पर बनेगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो व्हाट वी विल से, तो साइज ऑफ इमेज होगा हाईली एनलार्ज होगा, तो इनफाइनाइट पे तो फिर हाईली एनलार्ज। समझ पा रहे हो? नेचर कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि जो भी रे है वो रियल एक्चुअल में है। पोजिशन ऑफ इमेज क्या होगा? इन्फिनिट। हाईली एनलार्ज का मतलब क्या दिखाई दे रही है चीज आपको? वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट। दिखाई तो किस केस में दे रहा था? जो प्रीवियस केस, जिसमें दिखता भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका केस 6, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट आपका पी और एफ के बीच में आता है, ये वो स्पेशल केस। इस केस के आने के बहुत ज्यादा चांसेस। फर्स्ट रे अगेन क्या? पैरेलल टू द प्रिंसिपल, ध्यान से समझना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इट गॉट रिफ्लेक्टेड। जब देखो, अब होता क्या है, जब ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा? फोकस पॉइंट से होगा, जो आपका हुआ भी है। सेकंड रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ जो यहां भी हुआ। एक्चुअल में तो यही हुआ है, बट हमें दिखाई क्या देता है तो उस पर आता है, पर एक्चुअल में ये चीज हमें दिखाई नहीं देती। हमें दिखाई देता है कि ये जो रे है ये रिफ्लेक्टेड हो गई है डॉटेड, और ये भी जो रे है इस पॉइंट से क्या हो गई है? रिफ्रैक्टेड हो गई है। तो जहां ये मीट करते हैं तो हमें जो इमेज है वो वर्चुअल दिखाई देती है, क्योंकि अपीयर हो रहा है ऐसा। अपीयर का मतलब एक्चुअल में है नहीं, पर दिखता है ऐसा। होता ना ऐसा बहुत जगह, जैसे कुछ फेक वगैरह में जाते हैं बड़े बड़े मुंह दिखाई देते हैं, बड़े बड़े मुंह तो है नहीं तुम्हारे, देखा है वो बड़े फनी सा जब होता है वो, तो बड़े 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 हंसते हुए एक दूसरे को देखते हैं, देखियो तू कैसा दिखाई दे रहा वगैरह, खुद को तो देख रहे, वो अपीयर हो रहा है ऐसा, एक्चुअल में तो नहीं है ना ऐसा। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी इमेज होती है? वर्चुअल। कब बनती है? अब इसमें कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्या कौन सा ऐसा केस होता है, या पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होनी चाहिए कंकेव मिरर के केस में, तो उसकी जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो वर्चुअल दिखाई दे। आपको कैसे दिखाई दे? वर्चुअल। तो आप क्या कहोगे? पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस बिटवीन एफ एंड पी। साइज क्या होगा उसका? बड़ा होगा। देखो ना, ये ऑब्जेक्ट का साइज और ये इमेज का साइज, साइज ऑफ इमेज क्या होगा? एनलार्ज। ये सारे केस। अब जो भी चीजें आपने समझी हैं, अब मैं क्या करके पूछूंगा? बेक योर हेड। कितने केसेस हुए टोटल पहले तो यही बता दो। 6। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, थोड़ा उर्दू में लिख रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना? केस 6। ठीक है, फिर साइज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और फिर पोजीशन ऑफ, ये क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, केस 1 ऑब्जेक्ट कहां पर था? एट इंफिनिटी। मैं अपने आप पूछूंगा फिर जब मुझे सारे केसेस दिख रहे। ये आपका मिरर था, कंकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया पोल, ये हो गया आपका फोकस पॉइंट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर था? इंफिनिटी। फिर ऑब्जेक्ट आ गया बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट की पोजिशन क्या है? बियॉन्ड। फिर ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया? सी पर, एट सी। फिर ऑब्जेक्ट कहां आ गया? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन एफ एंड सी या सी एंड एफ। फिर ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया? एफ पर, तो आपने लिखा एट एफ। फिर ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया? बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। हाँ जी, आप बताओ रिधिमा, जब सी पर है तो उसकी पोजिशन ऑफ इमेज किस पॉइंट पर होगी? सी पर। मानते हो भी सारे? लॉक कर दिया जाए? चलो आप लोग कह रहे तो कर दो, आपके खाते में 2 रुपए ट्रांसफर हो। ठीक है, हाँ जी सर, अब आप बताओ, आप ज्यादा बोल रहे ना, आप बताओ। ऑब्जेक्ट एफ पर है तो इमेज कहां पर बनेगी? लॉक कर दिया जाए? ठीक है, चलो
1 रुपए 75 पैसे आपके खाते पे एट इनफाइनाइट डिस्टेंस एट इंफिनिट। हाँ जी सर, हरी ओम छोले भटूरे के यहाँ से भटूरे खाने वाले सर, आप बताओ एफ फोर सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पर बनेगी? एफ फोर सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, मानते हो भाई? मानते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका बियॉन्ड सी, इज इट क्लियर? बियॉन्ड सी। हाँ जी देवी जी, आप बताओ एफ फोर पी के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पर बनेगी? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और कैसी इमेज होगी वो? वर्चुअल, स्पेशल केस, ठीक है? 2.5 रुपए आपको भी ट्रांसफर हो जाएंगे। हाँ जी सर, आप बताओ बियॉन्ड सी है इमेज कहाँ पर बनेगी? यहाँ ऑब्जेक्ट है आपका, आप बताओ इमेज कहाँ बनेगी? हाँ जी शिवम जी, जब इंफिनिटी पर था तब इमेज कहाँ पर थे? फोकस, अब फोकस से थोड़ा पीछे आ जाओ, यहाँ इमेज थी, जैसे जैसे ये आगे आएगा ये पीछे आएगा तो यहाँ आ जाएगी, इसी के नीचे नीचे होते क्या हो जाएगा? बिटवीन सी एंड एफ है एफ एंड सी, बस ये था। हाँ जी बिल्कुल, जैसे जैसे वो आगे आता जा रहा है तो पीछे होता जा रहा है, जैसे होता है ना पेरेंट्स कहते हैं बाकी बच्चों को देखो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तुम्हारा डे बाय डे रिजल्ट पीछे जाता जा रहा है, तो बस तुम उससे रिलेट करके देखो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस है वो होगी इमेज की परफॉर्मेंस, धीरे धीरे वो पीछे जा रही है। और जिनसे कंपेरिजन किया जाता है चाहे तुम्हारे रिलेटिव है कजन है वो हो गए पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर पेरेंट्स वो आगे बढ़ रहे हैं वो तुमसे पीछे ही हो, तो पेरेंट्स ऐसे भी होते ताकि बच्चा थोड़ा मोटिवेट हो, तुम भी डीट के डीट, हम तो इसी स्पीड से आगे आएंगे, आगे जा रहे पीछे जा रहे बाद में बात करें, देख लेना। तो पेरेंट्स ये नहीं कहते देख लेंगे, वो वही दो लगाते हैं कहेंगे नहीं हमें तो जो करना है अभी करके, समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है, क्लियर हो गया? आदित्य किस सोच में चले गए भाई, है क्लियर है बच्चों? ठीक है चलो, तो यहाँ तक हमने जितनी भी चीजें की हैं उसमें से अगर आप कुछ पॉइंट पूछो याद है सबको? हाँ जी सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है सारे ना पता, क्यों हम कहते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? क्योंकि उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। कल वाले पॉइंट से भाई कंफ्यूज मत हो जाना जब मैंने कहा था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वहां पे मैंने कहा था समझ लो कि एयर, एयर मैंने आपको समझाने के लिए वैक्यूम का मतलब खाली, पर एयर भी एक मीडियम होता है बेसिकली, एयर कहने का मतलब वो नहीं था, एयर भी एक मीडियम है, वैक्यूम का मतलब वहाँ एयर भी नहीं है, समझ आ गया? उस पॉइंट से कंफ्यूज मत हो जाना। व्हाइल मेकिंग नोट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी लिखना, वैक्यूम का मतलब खाली स्पेस, खाली, वहाँ एयर भी नहीं है, एयर भी एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, एयर एक मीडियम है, समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है चलो, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, That is uses of concave mirror. क्या आता है? Uses of concave mirror. Uses of concave mirror. सबसे पहला use क्या होता है? Use for shaving to see larger image. अब larger image देखनी है तो कौन सा केस होना चाहिए? भाई अपने आप को जब हम कहीं सलून में जाते हैं तो कैसे देखते हो? सर नीचे होता है, पैर ऊपर ऐसे दिखाई देता है या सर ऊपर ही दिखाई देता है? तो एक तो बात कह रहा है वर्चुअल इमेज है, वहां बड़ी इमेज भी दिखाई देती है ना, तो वो कौन सा केस है आपका? सिक्स्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड पी, चेक करा था सत्संग में तो नहीं बैठे, क्लियर है आंसर? ठीक है, फिर आता है यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेज ऑफ दी, ये तो उसको तो कोई दिखाई नहीं देगा, कौन सा दांत कोई और ही निकाल देगा, दो चार आप तो नहीं सर ये वाला नहीं था, हाँ चलो ये वाला था, हाँ सर यही है, निकाल तो कोई और निकल गया, सर ये भी नहीं था, पता लगा बिना दांतों के आ गए, तीन चार निकाल दिए तुक्के तुक्के में, दिख ही नहीं रहा है, हाँ ये हो सकता है, रुको रुको अभी निकाल, फिर ये हो सकता है, इमेजिन करो दो चार डॉक्टर के भी तोड़ के आ जाओगे दांत,
क्या भाई मजाक है कोई है? क्लियर हो गया? इसलिए वो कौन सा मिरर जो वहां पे जो डेंटिस्ट जो मिरर यूज करता है वो भी कनकेव मिरर होता है, लेकिन वो कैसा मिरर होता है? बड़ी बड़ी इमेज दिखाई देती है, कुछ हो गया चाहे ऐसा देखा होगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, टॉर्चेज में यूज किया जाता है इनको, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स में यूज किया जाता है, ठीक है, हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जो आपका कन्वेक्स मिरर था वो कैसा मिरर था? डाइवर्जिंग। कन्केव मिरर क्या था? आपका कन्वर्जिंग, एक ही जगह पर फोकस पॉइंट पर लेके आता, तभी कहते हैं पावरफुल बीम ऑफ लाइट। तो आगे हेडलाइट होती है ना, वो कन्केव मिरर होती है, समझ रहे? ठीक है, यूज इन सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में तो यही चाहिए ना, सारी की सारी लाइट एक ही पॉइंट पर फोकस कर, तभी तो हीट होगा वो, समझ पा रहे इस चीज को? ठीक है, सोलर फर्नेस क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है दैट यूजेस कंसंट्रेटेड सोलर पावर टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर। कंसंट्रेटेड का मतलब सोलर लाइट को एक ही जगह पर फोकस कर देता है। हाँ जी, लेंस यूज होता है भाई, लेंस अभी आपके नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये मिरर नहीं होते, लेंस होते, इसके बाद जो पढ़ोगे रिफ्रैक्शन में वहां पर लेंस पढ़ोगे। कन के कई जो बिल्कुल ही अंधे होते हैं वो बाइफोकल लेंस भी यूज करते हैं, ना दूर का दिखाई देता ना पास का दिखाई देता है। अब या तो नॉर्मली पर्सन को क्या इश्यूज होते हैं, या तो दूर की नजर कम कर पास की, कई तो ऐसे होते हैं ना दूर ना पास, बिना चश्मे के दरवाजे भी बाहर नहीं हो पाए, अंदर यहीं गिरते रहेंगे पड़ते रहेंगे, वो बाइफोकल लेंस होते हैं। कौन से होते हैं? बाइफोकल। पर ऐसा नॉर्मली जब होता है, जब ओल्ड एज हो जाए, तुम्हारी एज में ऐसा हो जाए तो फिर तुम मानो तुम लोग कितने हाई लेवल पर टीवी देखा और पबजी खेली हुई है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, बिल्कुल अंधेरे में खेली है रात को 2-2 बजे उठ उठ के, अरे पबजी खेलते हैं, कल खेलेंगे यार सुबह, अरे नहीं यार सुबह मम्मी पापा कहाँ खेले थे, बड़ी मुश्किल से फोन लेके आया भाई, लेट्स कंटिन्यू विद अवर गेम, मार मार इसको मार मार, अबे मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ ना, प्लेयर आपका मर गया, अबे कहाँ रह गया तू, आ रहा हूँ यार आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो मुझे लगा पबजी का पूछ रहे हो कहाँ से अटैक करना चाहिए। हाँ जी बोलो। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि जो आपकी पैरेलल बीम ऑफ रेज है, जैसे ये रेज है ये एक ही पॉइंट पर सारी कंसंट्रेट हो रही है, डाइवर्जिंग का मतलब है कि स्कैटर हो रही है, फैल रही है, डाइवर्ज होना फैल जाता है, कन्वर्ज का मतलब एक ही जगह पर आ रहा है। और कोई पबजी से रिलेटेड या कोई इससे रिलेटेड हो, क्लियर है? ठीक है चलो, अब कौन सा मिरर आएगा? कन्वेक्स मिरर। तो रूल्स टू मेक रे डायग्राम बाय कन्वेक्स मिरर, फर्स्ट रूल क्या होता है आपका? अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कन्केव मिरर में क्या था? जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी वो कहां से पास हो रही थी? फोकस से। अच्छा एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जब कन्केव मिरर की हमने बात की तो आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था कौन सा वाला था? इसका इनर वाला, फोकस पॉइंट पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली साइड पर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली साइड पर था। कन्वेक्स में ऐसा नहीं होता, कन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये होता है ना आउटवर्ड बल्ज, ये होता है ना, लेकिन जो फोकस और इसका प्रिंसिपल जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो अपोजिट साइड में क्या होता है, क्योंकि इसमें जितने भी केसेस होते हैं सब अपीयर वाले होते हैं, अपियर वाले तो सारी इमेजेस कैसी होंगी? वर्चुअल, सब एक मिनट एक मतलब गेस्ट के आगे बैठे हो सारे फेक है, तमीजदार बच्चे, कन्वेक्स मिरर वो है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। अपियर एक्चुअल नहीं है, अपियर है दिख रहा है ऐसा, एक्चुअल में है नहीं ऐसा, होता क्या एक्चुअल में? देखो ये आपकी जो रे है ना दिख रही है आपको, कौन सी रे है? इंसिडेंट, क्योंकि इसका जो एरो है टूवर्ड्स द मिरर है, फिर ये क्या होगी? रिफ्लेक्टेड होगी। पर जब आप इस पॉइंट यहाँ से देखोगे इस रे को रिफ्लेक्टेड को, तो ये रे आपको कैसी दिखाई देगी? कि वो एक्चुअल में अब फोकस से पास हो, अगर आप यहाँ से देखोगे, या आंख बनाई है मैंने बड़ी मेहनत से, ड्राइंग बड़ी खतरनाक है, अगर आप यहां से देखोगे इतनी बड़ी बड़ी आंखों से, और आंखें ठीक है तुम्हारी पबजी वाली आंखें नहीं है, दिखता है तुम्हें, तो आपको दिखाई देगा ये जो रे है ये आपकी अपियर हो रही है, पास हो रही है कहां से? फोकस पॉइंट से। दृष्टि जी अपनी दृष्टि से देख पा रहे हो?
क्लियर हो रहा है? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? फर्स्ट रूल क्लियर हो गया कि कन्वेक्स मिरर में, भाई मैं उठा के नहीं जाऊंगा, यही रखा रहे, कहां रहना? ठीक है, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, होती तो रिफ्लेक्टेड बैक है, और देखो क्या ये टूवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस आई है, ये फैल रही है ना, वापिस नहीं आ रही है, ये और पीछे चली गई, डाइवर्ज। समझ पा रहे हो इस चीज को? लेकिन आपको क्या दिखाई देगा, आपको ये नहीं, आपको ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसी दिखाई देगी, इट इज पासिस थ्रू द फोकस पॉइंट बिहाइंड द मिरर। समझ रहे हो इस चीज को? फर्स्ट रूल क्लियर हो गया? ठीक है, सेकेंड रूल, सेकेंड रूल क्या है आपका? अ रे इज डायरेक्टेड टूवर्ड द फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। रे इज डायरेक्ट, अब देखो ये जो रे है इसको आपने डायरेक्टेड किस तरफ किया है? फोकस की तरफ। जब आप इस तरह से डायरेक्ट करते हो, फोकस तो बिहाइंड द मिरर है ना, तो आपने डायरेक्ट ऐसे किया है टूवर्ड द फोकस, आ रही है ना रे, फोकस की तरफ ही जा रही है। बट एक्चुअल में होता क्या है, ये रिफ्लेक्ट, जैसे नॉर्मल उसमें होता है, फोकस से क्या होता है, रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें भी यही हुआ, रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बट एक्चुअल में दिखाई क्या दे रहा है, डायरेक्टेड हो गई है, ये रे सीधा कहां पर चली गई है, फोकस से पास होगी, होती नहीं है, वो तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, कि मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन अगर मिरर में दिखाई दे रहा तो अपियर हो रहा, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो एक्चुअल में क्या हो, एक्चुअल में तो क्या हुआ है, जैसे नॉर्मली होता है, रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हमने इसको डायरेक्ट किया है, तो बिहाइंड द मिरर ये फोकस से पास भी होगी। समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, थर्ड रूल, अ रे इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल केस में कंके मिरर में क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ, यहां पर आपने रे को डायरेक्ट किया सेंटर ऑफ कर्वेचर, पर डायरेक्ट करने का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स मिरर में कहां है, अपोज बिहाइंड द, तो आपने देखो इस सी की तरफ इसको डायरेक्ट किया, और हुआ भी वो जैसे नॉर्मली होता है, एक्चुअल में क्या हुआ है, रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ, आपको क्या दिखाई दे रहा है, रिफ्रैक्शन, कि वो सी से पास हो रहा है, चीजें वही हो रही है, एक्चुअल में तो वही होती है चीजें, पर अपियर क्या होता है कि जिस इंटेंशन पर हो वही चीज आपको दिखाई देती है, फोकस से पास कर रहा है, आपको दिख रहा है फोकस से पास हो रहा है। जब आप पढ़ते हो आप अच्छे पढ़ाई नहीं कर रहे होते, लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं बड़ी अच्छे से मेरी तैयारी चल रही है, आपको तैयारी बहुत अच्छी दिखाई दे रही होगी, मम्मी कहती पढ़ता नहीं, क्यों नहीं पढ़ता, जब पढ़ता हूँ तब आप देखते नहीं हो, आपको सिर्फ तभी मैं दिखाई देता हूँ या दिखाई देती हूँ जब मैं टीवी देख रही होती हूँ या मेरे हाथ में फोन होता है, जब मेरे अंदर किताब होती तब आपको नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो होती नहीं है, तो कहाँ से दिखाई देगा, आप उनको अपीयर करवाने की कोशिश करते हो कि जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखो भाई देखो, आप क्यों नहीं देख पा रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ इस चीज को कि मैं पढ़ रहा हूँ, पर एक्चुअल में वो नहीं होता है, तो वो नहीं दिखाई देता, वो एक्चुअल चीज देखना चाहते हैं, आप उनको दिखा तो अपीयर हो रहा है, अपीयर करो कि फोन की जगह मेरे हाथ में किताब है, तो देखो आप मैं पढ़ रहा हूँ, वो इतनी हाई लेवल पर नहीं सोच पाते, दो थप्पड़ लगा के बिठा देते साथ में, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये हो गया आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ, बट एक्चुअल में अब आप दिखा रहे हो ना, देखो वो पास हो रही है, हो रही है पास, इसमें सारे केस क्या है, हो रही है, ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं, 90% आ रहे हैं, इस तरह से इसमें बात होती है, और कंके मिरर क्या दिखाता है, आ कितने रहे, आए कितने, वो दिखाता है, 46, 48, 52, पहले से ज्यादा 52.5, समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, देखो जो आप बीती होते हो जल्दी समझना है, ठीक है, केस फोर क्या है आपका, रे इंसिडेंट टू द पोल। अब देखो उसमें क्या होता था, जब रे इंसिडेंट रे पोल पर आती थी तो ऐसे रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती थी ना, रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल, यहाँ भी यही है, समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, चले अब रे डायग्राम पर, रे डायग्राम फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, फर्स्ट केस ले लिया हमने, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट दिखाई देगा इंफिनिटी का मतलब पैरेलल रे ऑफ लाइट, अब देखो
तो फर्स्ट रूल कहता है ना, रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट रिफ्लेक्टेड बैक। बट ये जो रिफ्लेक्टेड रे, जब इसको यहां से देखोगे तो कहां से पास होती हुई दिखाई देगी? फोकस। जब आप यहां से देखोगे इसको ऐसे, तो कहां से पास होती हुई दिखाई देगी? जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज है आपको कहां से पास होती हुई दिखाई देगी? ये बड़ी बड़ी आंखें बना दी मैंने आपको, मान लो भाई। कहता है ये आदित्य देख रहे हैं, साथ में शिवम को बैठा लिया, हिमांक भी आ गया, ओ आ रहा भाई मैं भी आ रहा, तो और भी बॉयज आ गए, गर्ल्स भी आ गई। होता ना वो काइंड ऑफ कैमरा, स्टेथोस्कोप, बाइनोक्यूलर्स, ऐसा मैं भी देखूँ। मेरे को व्यू देख, ये व्यू देख, ये पहाड़ियाँ, हिल स्टेशन, ये देखो कहाँ से जा रही है रेस आपकी सारी की सारी? फोकस। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? ठीक है, तो कहना चाहिए पोजिशन ऑफ इमेज कहाँ पर है? एफ पर। और अगर आपको याद हो, बहुत पुरानी बात हमने पढ़ी थी कि कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो उसकी इमेज भी कहाँ पर बनती है? वंस अपॉन ए टाइम वी स्टडीड दैट, कहाँ पर बनी थी? फोकस पर। याद आ गया, ज्यादा स्टेज है तुम्हारी, पुरानी बात भी आपकी। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज बिहाइंड में मिरर में सोचने की जरूरत नहीं है भैया, क्या होगी? वर्चुअल, क्योंकि अब क्लियर हो रही है सब फेक है, सारी फेक तो वर्चुअल, सब आपको सीधे दिखाई देते, ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में। साइज ऑफ इमेज पॉइंट, फोकस पर ही है सारी सारी, पर कैसी होगी? वर्चुअल। और कनकेव मिरर में किस केस में क्या हुआ था? फोकस में ही बनी थी, बट रियल और इनवर्ट, कह रहे हैं यहाँ पे सारी चीजें। ठीक है, नहीं होती है, क्या कर रहे हैं? नहीं, इसमें होती नहीं मेरे भाई। और एग्जाम में रियलिटी पूछी जाती है, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस भी कम होते हैं, कई बार एक चीजें ही पूछ लेते हैं तो आ भी सकते हैं। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, मैं तो दे दूंगा, मेरे टेस्ट में मत कुछ सोच के बैठ। ऑब्जेक्ट दो ही केसेस होते हैं, एक ले रहा हूँ और पी और इंफिनिटी के बीच। अब ये पी है तो यहाँ कुछ और है नहीं, तो कहाँ इसमें क्या बनाओगे? बियॉन्ड सी पी और है नहीं कुछ, या तो इंफिनिटी होगा या बियॉन्ड पी होगा। अब ये पी है आपका, और यहाँ पहले केस में कहाँ था ऑब्जेक्ट? इंफिनिटी में। अब जो ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस पर आ गया, बस खत्म। तभी मैंने कहा कितने केसेस लेते हैं? दो। रीजन समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ है नहीं, आप बियॉन्ड सी, मैं कहूँगा सी तो दिखाओ, तब तो मैं बियॉन्ड सी कहूँ। आप कह रहे हो वहां इस गली में आ जाओ, गोलगप्पे वाला खड़ा था, गोलगप्पे वाला है भी, मैं गली में आगे से पीछे घूमे आ रहा हूँ, मैं कहा मुझे दिखा नहीं, कोई नहीं, कभी ना कभी आएगा तो वहीं आ जाऊंगा, अभी आया नहीं हो तब तक आ जाए कोई चीज हो भी तो सही। उससे रेफरेंस पॉइंट ऐसी चीजों का दे रहे जो फिक्स हो। शाम को वहां आना, वहां गोलगप्पे वाला होता, उसकी नहीं आया बेचारी तबीयत खराब थी, मैं गोलगप्पे वाले ढूंढ रहा हूँ, रेफरेंस पॉइंट होता जो चीजें कहीं जाए ना। ये गोलगप्पे और ये टिक्की शिक्की वाले भी रेफरेंस पॉइंट नहीं होते, आया नहीं और तुम घूम के वापिस आए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? तो ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो फर्स्ट रे क्या है? पैरेलल है, तो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड बैक। आपने यहां से देखा क्या दिखाई देगा? पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट, देख पा रहे हो चीज को? पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट। सेकेंड रे क्या आपकी? आप डायरेक्टली टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, डायरेक्टली टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ, बट व्हाट विल अपीयर टू अस दैट इट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओहो, आग देख के घबरा गए क्या? जो चीज दिखा रहा हूँ उस पर फोकस करो, आपको भी मत करो। रिफ्लेक्टेड थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ में आ रहा है? अब देखो जहां ये रे मीट कर रही है यही आपका क्या इमेज है, और कैसी इमेज है? वर्चुअल। और साइज देखो, ऑब्जेक्ट से छोटा है ना, तो साइज ऑफ इमेज क्या है आपका? स्मॉल। नेचर ऑफ इमेज क्या है? वर्चुअल और इरेक्ट। पोजिशन ऑफ इमेज क्या है? बिटवीन पी एंड एफ। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? तो पूछना है, ठीक है। के बाद आता है आपका यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर फर्स्ट यूज। और ये वाला जो फर्स्ट वाला यूज है, ये कुछ एग्जाम में भी रीजन पूछा है। इट इज यूज एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। आपने अभी देखा देखो, तो कनकेव मिरर में जहां आपकी वर्चुअल इमेज बनी वो से बहुत बड़ी बनी। रेयर व्यू मिरर समझते हैं कौन सा होता है? जो साइड मिरर होता है,
जो बाइक और स्कूटी में होते हैं या गाड़ियों में होते हैं, उसमें जो पीछे गाड़ियां आ रही होती है वो सीधी दिखाई देती है ना, ऐसा जो टायर दिखाई दे रहा होता है गाड़ी उल्टी आ रही होती है ऐसे दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है ना आपको। पर क्या साइज बड़ा बड़ा दिखाई देता है, छोटे छोटे साइज, वो किसमें पॉसिबल है? कन्वेक्स मिरर। कंके मिरर लगा दोगे तो बड़ी बस दिखाई देगी, तो पता नहीं चले क्या क्या आ रहा है आपको, तो क्या पीछे से आ रही है सारी गाड़ियां दिखाई दे, हाँ भाई बाइक भी आ रही है स्कूटी भी आ रही है ऐसे देखते। अब गाड़ी चला रहे हैं आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे, दो चार साथ में और आ रही है वो नहीं दिखाई दे रहा, चला दिया भाई ढंग से चला कर पीछे मिरर में तो आओ, तो ये कहोगे मिरर में नहीं आया तू, समझ पा रहे इस चीज को? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेयर व्यू मिरर होता है व्हीकल्स में, तो कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स। अब रीजन क्या है, रीजन क्या है? बिकॉज कन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा इरेक्ट इमेज देगा जो आप देखना भी चाहते हो, रियल और इन्वर्टेड से तो पता नहीं टायरों से क्या जज करोगे कौन सी का, ये वो लग रहा है मुझे, ये आ रहा है साइकिल की तरह दिखाई दे रहा है, ये वाली स्कूटी की तरह लग रहा है, बस यही देखते रह जाते हैं इतनी देर में काम हो जाए। तो इट ऑलवेज गिव इरेक्ट थ्रू डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज समझते हो, छोटी छोटी। और ये तो चाहते बस भी दिखाई दे रही है, गाड़ी भी दिखाई दे रही है, सब कुछ देख लेते हो रियल व्यू में, उस हिसाब से थोड़ा राइट लेफ्ट भी हो जाते हो, ठीक है। इट हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, सिर्फ एक ही गाड़ी थोड़ी ना दिखाई देती है, आपको और भी गाड़ियां दिखाई दे जाती है, कार भी दिखाई दे रही है पीछे आने वाली, इसके अलावा बाइक स्कूटी सब देख लेते हैं। सेकेंड यूज क्या होता है कन्वेक्स मिरर का, शॉप्स में जो सिक्योरिटी मिरर होते हैं ना वहां पे भी कन्वेक्स मिरर होता है, सिक्योरिटी मिरर जो चेक करने के लिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इस तरह से जो होता है आप मिरर पे आप देख पा रहे हो कि क्या क्या आ रही है, वो निकल रहा है कौन जा रहा है, छोटे छोटे दिखाई देती है चीजें। सिक्योरिटी मिरर का मतलब आप बैठे बैठे आपको दिख रहा है कि क्या क्या कौन निकल रहा है कौन जा रहा है, और छोटे छोटे दिखाई दे काफी वाइडर भी कवर हो जाता है। जैसे आप देखो किसी कई बार होता है कि कहीं कोई शार्प टर्न होता है ऐसे, आगे से क्या आ रहा है वो नहीं दिखता, तो वहां मिरर लगा होता है ऐसे, वो मिरर भी जो होता है आपका कन्वेक्स मिरर होता है कि आपको यहाँ से जाते हुए यहाँ से आने वाली गाड़ियां इसमें छोटी छोटी दिख जाएंगी, क्योंकि आपको अपना तो उनकी तरह गाड़ी चला रहा आगे से क्या आ रहा है जो होगा देखी जाएगी, जय रात दिखी और यहाँ से जय बोले। अब आपको ये चीज ना दिखाई दे तो कैसे चला रहा है भाई, चला तो आप भी रहे आप उड़ के तो आप भी नहीं आए, तो आप जैसे समझदार लोगों के लिए ऐसे ऐसे मिरर लगाए जाते हैं, भैया देख लो कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, गाना गाते हुए निकल जाओ ऐसे, ठीक है। इट इज यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास, ये तो पता ही होगा, ठीक है। हाँ जी नहीं, रीजन जो आपसे पूछा जाता है बेसिकली वो तो नॉर्मल सा रीजन है, रीजन तो वैसे सेम ही है कि ऑब्वियसली वाइटर भी तो कवर होता है, तो लेंस का यूज होता है इसको छोड़ते। अब क्लियर है, ठीक है, दो पॉइंट क्लियर है, वन और टू क्लियर है सर, ठीक है।